आज हमने एकदम आसान तरीके से झट से बन जाए ऐसी फराली थाली बनाई है। इसमें हमने आलू की भाजी बनाई है, राजगिरी का थेपला और साथ में हमने फराली चेवड़ा सर्व किया है और मसाला दही। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं फराली थाली। पहले हम झट से बन जाए ऐसे आलू की भाजी बनाएंगे। 3 बड़ी साइज के आलू है, 400 ग्राम आलू है जिसका छिलका हटा के इसे हमने पानी में रखा है। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये बड़ी वाली कद्दूकस से हम कद्दूकस करेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, इस तरह से हमें थोड़ा मोटा रखना है। इसे हम पानी में डाल देंगे। आलू को हम 2 से 3 बार पानी डाल के धो लेंगे ताकि आलू के अंदर का स्टार्च जो है सब निकल जाए। इसे पानी में से निकाल देंगे और इसी तरह से 2 से 3 बार पानी डाल के इसे धो लेंगे। आलू को हमने 3 बार पानी में से धो के एकदम निचोड़ के निकाला है। अभी हम भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, जीरा को थोड़ा लाइट ब्राउन भून लेंगे, 2 हरी मिर्च बारीक काट के ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी हमने बारीक काट के लिया है, लाइटली सौते करेंगे, 6-7 करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। 1.5 टीस्पून सिंधा नमक डालेंगे, सिंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 4 मिनट आलू को कुक कर लेते हैं। 4 मिनट आलू को हमने कुक किया है, इसमें हमने बीच में 2 से 3 बार चला लिया था। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये रफली कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर है। 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल, मूंगफली को भून के इसका छिलका हटा के हमने रफली पाउडर बनाया है, 1/4 कप मूंगफली का पाउडर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। वापस इसे 3 मिनट कुक किया है और बीच में हमने एक बार चला लिया था। आलू भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम कुक हो गया है आलू। 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। उपवास में आप नींबू यूज नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गैस ऑफ कर देंगे, चला लेंगे इसे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून तली हुई मूंगफली है, एक्स्ट्रा क्रंच के लिए इसे हम डालेंगे, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। आलू की भाजी रेडी है। राजगिरी के आटे का थेपला बनाएंगे। 1 पका हुआ केला लिया है, इसका छिलका हटा देंगे। केले को हम कद्दूकस कर लेंगे। केला अगर ज्यादा पका हुआ है तो आप इसे फॉक से मिक्स करके भी ले सकते हैं। 1/2 कप राजगिरी का आटा डालेंगे, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, इसका मैंने पेस्ट बनाया है, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून भुना जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 1/2 टीस्पून सिंधा नमक, या सिंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून तेल डाल के मिक्स किया है। फ्रेश दही डाल के आटा गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा दही डाल के आटा गूंथना है, जितना जरूरत पड़े उतना हमें दही डालना है। केला हमने लिया है तो ज्यादा दही की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 टेबलस्पून दही हमने डाला है और आप देख सकते हैं उसी में ही हमारा आटा बाइंड हो गया है।
एक टीस्पून तेल डाल के आटे को चिकना कर लेंगे। मीडियम खट्टा दही डालेंगे तो थेपले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमने केला डाला है तो इसके साथ में मीडियम खट्टा दही का टेस्ट अच्छा रहेगा। आटे को हमें रखना नहीं है, इसका तुरंत ही थेपला बनाना है। आटे में ऐसे मीडियम साइज के लोई तोड़ लेंगे इस तरह से। इतने आटे में से हमने चार लोई बनाई है। साइड में हम थोड़ा राजगिरी का आटा ले लेंगे इसे बेलने के लिए। इस तरह से इसे सूखे आटे में लपेटेंगे, बेल लेंगे इसे। किनारी फटेगी तो इस तरह से इसे हम बराबर कर लेंगे। मीडियम साइज का इसे बेलेंगे, ज्यादा पतला नहीं करना है इसे। तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया था, ये गरम हो गया है। थेपला हमने बेला है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे 30 सेकंड के लिए इसे पकाया है। अब इसे पलट लेंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे। नीचे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन डॉट्स आ जाए तभी इसे पलट लेंगे इस तरह से। ऊपर तेल डालेंगे, आप इसे घी में भी सेक सकते हैं। पलट लेंगे, दूसरी साइड पे भी तेल डालेंगे। इस तरह से उलट पलट के इसे सेक लेते हैं। ये हो गया है, इसे निकाल लेंगे। ये गरम थेपला के ऊपर हम घी लगा सकते हैं। इस तरह से बाकी के थेपले भी बना लेते हैं। तो एकदम झट से बन जाए ऐसी फराली थाली रेडी है। हमने जो आलू की भाजी बनाई है ये सौ की है, फराली थेपला और साथ में हमने रेडीमेड फराली चेवड़ा और दही सर्व किया है। दही के ऊपर हमने लाल मिर्ची पाउडर और सिंधा नमक डाला है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।